रसोई गैस व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पहुंचे और यहां पेट्रोल डीजल भरवाने वालों को गुलाब का फूल भेंट किया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल भारतीय युवा कांग्रेस विधानसभा भैंसदेही द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए ग्राम गुदगांव पेट्रोल पंप पहुंचे और यहां आम जनता को गुलाब के फूल भेंट कर रचनात्मक प्रदर्शन किया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम ने कहा कि आम जनता के हक में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। रसोई गैस पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने से जनता की आर्थिक कमर टूट गई है। आम जनता के हक में युवा कांग्रेस मैदान में आई है। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग भी की। आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवासन जी के आह्वान पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के भाई विक्रांत भूरिया जी के आह्वान पर, हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आह्वान पर आज कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के माध्यम से आज हमने आम जनता के हक में डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम करने को लेकर के आज ये रैली निकाली है और पेट्रोल पंप पे हमने आम जनता से बातचीत की है और आम जनता से हमने पूछा है जो सरकार नरेंद्र मोदी सरकार जो महंगाई कम करने को लेकर के सत्ता में आई थी आज वो सरकार में लगातार रोज महंगाई बढ़ रही है। जो पेट्रोल 50 रुपये 55 रुपये डीजल 50 रुपये 55 रुपये होता था आज 100 के पार हुआ है। आज जनता की कमर टूट गई है और लगातार दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है और जिसके वजह से आज चाहे किराने का सामग्री हो घरेलू सामग्री हो हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं और ये किसको झेलना पड़ रहा है, आम जनता को झेलना पड़ रहा है। तो आज आम जनता के हक में युवा कांग्रेस मैदान में आई है और आज हमने यहाँ से आह्वान किया है कि नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि मिले और जनता के हक में वो डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम करे, नहीं तो आम जनता सड़कों पर आएगी और आपको सत्ता से नीचे उतारेगी क्योंकि ये लोकतंत्र है, जनता का जनता द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री तो बन गए हो, ये जनता के द्वारा आप बने हो लेकिन आप जनता के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो नरेंद्र मोदी जी आज मैं आपसे इस्तीफा मांगता हूँ, आप सरकार चलाने लायक नहीं रहे, आप आम जनता की हक की बात नहीं कर रहे हो, केवल आपको धर्म और जाति के नाम पर लड़ाना आता है, महंगाई कम करना नहीं आता है, किसानों को मारना आता है, महंगाई किसानों को बचाना नहीं आता। आज किसान भी हमारे सिंधु बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। आज आम जनता चाहे मजदूर हो किसान हो महिला हो पुरुष हो हर एक व्यक्ति महंगाई से परेशान है। तो आज हम आह्वान करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि आप महंगाई कम करो, अन्यथा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस माननीय बी श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करेगी और जनता के हक में जनता को न्याय दिलाने का काम करेगी। युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राहुल छत्रसाल बोले कि हमारे द्वारा फूल देकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों के बाद भी मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन्होंने दाम कम नहीं किए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी निवास द्वारा एवं प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी के आह्वान पर हम लोगों ने आज ये एक सांकेतिक प्रोग्राम रखा है जिसमें एक रचनात्मक एक फूल देकर लोगों को यह विरोध प्रदर्शन किया गया है जिसके माध्यम से आज पेट्रोल के जो दाम थे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और रसोई गैस के भी दाम देख रहे हैं। आज खाने का तेल देख लीजिए कितने महंगाई जा रही है, लेकिन यह मोदी सरकार को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है मोदी सरकार। मैं उनसे कहना चाहता हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, रसोई के दाम बढ़े हैं एवं खाने का तेल एवं सभी चीज़ों के जो रेट बढ़े हैं इसको कम किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सड़कों पर उतरेगी जनता और इसका जवाब आने वाले समय में मोदी सरकार को मिलेगा। बहरहाल देखा जाए तो रसोई गैस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस मैदान में उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बैतूल।